जगन्नाथपुरी के तर्ज पर पन्ना में भी भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, जो जगन्नाथपुरी के बाद देश की सबसे पुरानी रथ यात्राओं में शुमार है। राजशाही ठाटबाट और वैभव के साथ निकाली जाने वाली इस रथ यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। देखिए, ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के पन्ना की, जहां गाजे बाजे के साथ भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा के दौरान पूरा शहर भगवान जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठा। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए सड़क के दोनों तरफ हजारों की संख्या में श्रद्धालु खड़े थे। श्रद्धालुओं के बीच भगवान की एक झलक पाने की होड़ लगी थी। रथ यात्रा के दौरान दल दल घोड़ी का नृत्य और आतिशबाजी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। ये अनूठी रथ यात्रा पन्ना से शुरू होकर तीसरे दिन जनकपुरी पहुंचती है, जो सालों पुरानी परंपरा है। इस प्रकार से जगन्नाथपुरी में आप देखते हैं, जगन्नाथपुरी में उनके रथ निकलते हैं। तीनों देवता अपने अलग अलग रथों पर विराजमान होकर के गुंडीचा मंदिर को जाते हैं, जो कि उनका जनकपुर है, जहाँ वह पैदा हुए थे, प्रादुर्भाव जहाँ हुआ था उनका। ठीक उसी प्रकार से यहाँ का यह जनकपुर है, वह जनकपुर की ओर जाते हैं और सभी उसमें भक्तों से मिलते हुए जाते हैं। बताया जाता है कि पन्ना नरेश महाराजा ने जब यहाँ रथ यात्रा महोत्सव की शुरुआत की थी, तो उस समय वो पुरी से भगवान जगन्नाथ स्वामी की मूर्ति लेकर आए थे और पन्ना में भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। तभी से यहाँ पुरी की तर्ज पर रथ यात्रा समारोह का आयोजन होता है। पन्ना से विकास सेन के साथ टीम न्यूज स्टेट।